नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। देश आजादी का 77वां जश्न मनाने के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। बीते 76 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों ने तमाम जतन किए, देश तरक्की के रास्ते पर आगे भी बढ़ा। लेकिन राष्ट्रीय एकता हो या विकास, ये दो पहलू ऐसे हैं जिन पर अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। केंद्र की मोदी सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए तेजी से कार्य हो रहा है। सरकार दावा कर रही है कि साल 2047 तक भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा करना है। इसके लिए देश के हर नागरिक का योगदान बेहद जरूरी है। वहीं राष्ट्रीय एकता बरकरार रखने देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन ये नारा कितना सार्थक हो पाया, ये समझना भी बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश मना रहा है आजादी का 77वां जश्न। पिछले 76 वर्षों में कितना आगे बढ़ा देश, राष्ट्रीय एकता के साथ विकास की चुनौती कितनी बड़ी कसौटी। पूरा देश इस समय आजादी के 76 वर्ष के जश्न की तैयारियों में जुटा है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। ऐसे में हर देशवासी के मन में ये सवाल है कि पिछले 76 वर्षों में देश ने विकास के क्षेत्र में कितनी ऊंची छलांग लगाई और राष्ट्रीय एकता के विषय पर हम कितना कामयाब हुए हैं। दरअसल आजादी के बाद देश की सरकारों ने देश को समृद्ध बनाने के लिए पूरी ताकत और लगन से तरक्की के रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। देश में बड़े बदलाव भी हुए, लेकिन जिस मंजिल तक देश को पहुंचना चाहिए था, क्या वहां हम पहुंच पाए? केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि साल 2028 तक देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के साथ साथ 2047 तक देश को विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा करना उनका लक्ष्य है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम हुआ है। देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए रफ्तार से काम किया जा रहा है और आने वाले वक्त में भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अपने कदम तेजी से बढ़ा चुका है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मोदी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र के साथ सरकार देश को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय एकता की दिशा में सरकार कितना सफल हुई है, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल बीजेपी का मानना है कि राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना के साथ उनकी सरकार काम कर रही है। सरकार की योजनाओं का फायदा समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उज्ज्वला योजना हो, हर घर नल से जल अभियान, किसान, महिलाएं, नौजवान और युवाओं के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ। सरकार का दावा है कि बगैर भेदभाव के उनकी सरकार देश की जनता के जिंदगी में बदलाव के लिए बेहतर से बेहतर कदम उठा रही है। हालांकि विपक्ष सरकार के इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखता। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है, सामाजिक समरसता में कमी आई है, देश के संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण है और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ सरकार बदले की भावना से ओतप्रोत होकर कार्रवाई करती है, जो देश के लिए सही नहीं है। राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप तो हो सकता है, लेकिन ये भी अकाट्य सत्य है कि देश की आजादी के बाद से ही तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को ऐसे मकड़जाल में फंसा दिया
जिससे निकलना आज तक मुमकिन नहीं हो पाया। वोट बैंक की सियासत जहां देश के विकास में रोड़ा बनती रही है, तो वहीं राष्ट्रीय एकता की दिशा में हमेशा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही है। ये बात भी सच है कि सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचता है, लेकिन सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और भाषावाद की चाशनी में डूबे राजनीतिक दल कई मर्तबा वोटों की चाहत में समाज के लोगों के साथ नाइंसाफी कर जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि अगर हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, तो इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सबका विकास भी जरूरी है और सबका साथ भी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बिल्कुल, तो सबका विकास भी जरूरी है और सबका साथ भी जरूरी है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, उसके पास नई संसद है, दुनिया की सबसे भरोसेमंद अर्थव्यवस्था है। दुनिया जब आकांक्षा और युद्ध की आड़ी टेढ़ी लकीरों में उलझी है, भारत प्रशस्त पथ पर शांति, सद्भावना और सहकार के भाव से बढ़ रहा है। हालांकि भारत की उपलब्धियां साझी हैं, हर उपलब्धि नागरिक की उपलब्धि है, क्योंकि सरकार नागरिक भावना का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो आजादी के बाद कितना बदला देश, इसको लेकर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा करने के लिए पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता राजेश सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर टीना कर्मवीर जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर नीरज जैन जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ IAF के निदेशक प्रोफेसर अमन अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। अमन अग्रवाल जी, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम सब चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्र की जो महत्वाकांक्षा है, खासकर आर्थिक पक्ष, जो उसका वैश्विक पटल पर हक है, जो उसके प्रतिमान होने हैं, उस रास्ते पर हम कितना प्रतिबद्ध और प्रशस्त हैं। अभी आपने राष्ट्रपति का संबोधन भी सुना, उन्होंने भी कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था दूसरों के लिए आशा का स्रोत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, पहली बात सिर्फ आशा का स्रोत सिर्फ हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में है उसके लिए नहीं, उनके लिए भी नहीं जो हिंदुस्तानी बाहर विश्व में फैले हुए हैं, अलग अलग देशों में स्थापित हैं, चाहे उन्होंने नागरिकता छोड़ी या नागरिकता रखी, उनके लिए भी है। पर साथ ही साथ इस समय भारत को विश्व के अंदर, विश्व की इकोनॉमी जो है, जिस दुनिया भर के देश हैं वो देख रहे हैं, जहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ 3.5% से फॉल करके 2.1% पे रह गई है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 6.5-7% के बीच में चल रही है, इन्फ्लेशन पूरी तरह कंट्रोल में चल रहा है, जहाँ पे विश्व में बड़े बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, जापान हो, सबके यहाँ डबल डिजिट इन्फ्लेशन चल रहा है, जिससे सबसे ज्यादा मार एक आम आदमी को पड़ता है किसी भी देश के अंदर। उसको देखते हुए, अर्थव्यवस्था को संभालते हुए, चीजों को संभालते हुए, देश के हालत, हेल्थ केयर को देखते हुए, आम आदमी के हेल्थ केयर को देखते हुए, और जिस तरीके से कम बैक हुआ कोरोना काल के बाद, और भारत सरकार ने लोगों को भी रोजगार, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हो, इस तरीके से देखा गया कि इतना ज्यादा पतन ना हो जिस तरीके से विश्व में और देशों में हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे विचार में सिर्फ जो आम आदमी है या जो व्यापारी है उसको नहीं, इवन औरतों को माध्यम दिए हैं कि किस तरीके से वो आगे बढ़ सकें, चाहे वो स्टैंड अप स्किल अप इंडिया के द्वारा हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के द्वारा हो, चाहे और हो, कोई भी योजना हो, कुछ खामियां जरूर रह जाती हैं, और मेरा सरकार से रहेगा कि आगे आने वाले साल में जो थोड़ी बहुत खामियां किसी भी वजह से रह गई हैं, उनको भी वो पूरा करने में अपने कार्यकाल में सक्षम रहे। जी प्रोफेसर नीरज जैन, अभी राष्ट्रपति ने संबोधन दिया और सभी ने सुना, उन्होंने कई बिंदुओं को चिन्हित इस दौरान किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा है। अब तो आज हमारी स्वतंत्रता की पूर्व संध्या है और राष्ट्रपति का संबोधन निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा रहा है, और आज हम जो है देश के विकास के लिए, देश के स्वतंत्र नागरिकों के सब अधिकारों की बहाली के लिए उतनी चर्चा करेंगे। हमारा देश निश्चित तौर पर बहुत कड़े आर्थिक संकटों से
यूज करके निकला है जी। और इस वक्त हम ये बात सही है कि हम एक डेवलपिंग स्टेट के रूप में ग्रोथ कर रहे हैं, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मुहाने पर हम पहुंच चुके हैं। सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम अंदरूनी रूप से कितने ज्यादा मजबूत हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पॉलिटिकली कितने मजबूत हैं, सोशली कितने मजबूत हैं और इकोनॉमिकली कितने हैं। आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो रही है, हमें अच्छा लगता है, इन्फ्लेशन भी थोड़ा कंट्रोल है, लेकिन अब बात ये आती है कि हमारे जो राज्य हैं वो कितने मजबूत हैं, क्योंकि मुल्क जो है पूरे राज्यों से मिलकर बना है जी। और इसके बिना ये संभव नहीं है, तो हमको उन पर भी बहुत फोकस करना पड़ेगा। अगर हम 10 कदम चलें और 5 कदम कोई हमारे पीछे खींचे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य होता है, क्योंकि आप जानिए कि चाहे मणिपुर हो, चाहे आपका बंगाल में भी जो टीएमसी के इलेक्शन हुए वो हुए हों, चाहे लोगों की हिंसा हो, आखिर परेशान तो पूरा देश है ही, कहीं ना कहीं सबको पीड़ा है, सबको चोट है। तो हम पहले दुनिया में हम तरक्की करने से पहले अपने देश में हम आंतरिक मामलों को सुलझा के और अच्छे से बढ़ाए आगे। बिल्कुल, आंतरिक मामलों को लेकर आपने बात की और उसमें सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर है जो डर्टी पॉलिटिक्स देखने को इन दिनों मिल रही है। प्रोफेसर नीरज जी, आपसे मैं कई और सवाल हैं वो यहाँ पर करूंगी, लेकिन इस पर एक जवाब डॉक्टर टीना कर्मवीर जी से लेती हूँ। डॉक्टर टीना कर्मवीर, आज अभी राष्ट्रपति ने जो देश के नाम संबोधन किया वो आपने भी सुना, उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही हैं। कुछ दशकों पहले महिलाओं की भागीदारी की कल्पना तक भी नहीं की जाती थी। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए अभी मैं राष्ट्रपति महामहिम को सुन रही थी, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की और ये हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं खुद एक महिला हूँ तो मेरे लिए, और आप खुद एक महिला है तो आप सभी के लिए गौरव की बात है कि कहीं आप अपने पूरे भाषण में, वो खुद एक महिला है और वो महिलाओं का जिक्र कर रही है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है जी। ये मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए जो जश्न हम कल मनाएंगे और जो आज जश्न मना रहे हैं, क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या मणिपुर में वो जो महिलाएं जो दो नग्न करके उनको जिस तरीके से परेड किया गया, उनका उनके साथ बलात्कार किया गया, क्या वहां जश्न मन रहा होगा? क्या मणिपुर में ऐसे हालात हैं? क्योंकि देखिए मणिपुर भी इस भारत का अभिन्न हिस्सा है, हालांकि आज राजनीति इस तरीके से हुई कि वहां जिस तरीके से मणिपुर को दो भागों में बांटा गया था, लेकिन मेरी चिंता है, ये कटु सत्य है कि जिस प्रकार से जो आधा भारत जो है वो जश्न मना रहा होगा, लेकिन जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है वो कहीं ना कहीं विचलित होगा, उनके लिए स्वतंत्रता किस प्रकार से मानी जाएगी? और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हाँ ठीक है कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या वो आम आदमी जो है जो महंगाई की मार से मार झेल रहा है, क्या वो स्वतंत्रता मना पा रहा है? जिस जो वादा किया गया था कि रोजगार दिया जाएगा, जो बेरोजगार युवा है, जिन युवाओं के हाथ में कलम देनी चाहिए थी, किताबें देनी चाहिए थी, आज वहाँ उनके हाथों में पत्थर दिए गए हैं। हम मैं हरियाणा से संबंध रखती हूँ, हरियाणा में लगातार हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। मैं इसका जवाब ले लेती हूँ राजेश जी से, मैं जवाब ले लेती हूँ राजेश जी। जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है मुझे। देखिए ईश्वर जी, कल हम 17वां दिवस मनाने की तरफ अग्रसर है, और आज हम विभाजन भी है और देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, और इन 77 वर्षों में देश के लिए बहुत ऐसा अवसर आए कि हम देश आज जहाँ पे है उसके आगे भी मैं देश को खड़ा कर सकता था। आज हम विकासशील राष्ट्र की कैटेगरी में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अवसर आए थे कि हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में भी जा सकते थे, लेकिन शायद हो सकता है कि हमने उन अवसरों का फायदा नहीं उठाया, उन अवसरों को हमने नहीं भुलाया। लेकिन हमारे बाद ही स्वतंत्र हुए सिंगापुर और कोरिया जैसे देश उस श्रेणी में पहुंच गए, तो हम क्यों नहीं पहुंच पाए? लेकिन ऋषु जी ये भी देखने वाली बात है कि पिछले 2014 की बात से, तो आपका कहने का मतलब है कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने कभी कुछ किया ही नहीं? नहीं, हमने ये नहीं कहा ऋषु, मेरे कहने का मतलब है कि जहां हम पहुंच सकते थे वहां हम नहीं पहुंचे,
ऐसा कभी नहीं होता कि कोई सरकार कुछ भी न करे। आऊंगी डॉक्टर टीना मैं आपके पास। रिशु जी, सरकार शांत नहीं बैठती है, मैं किसी के कार्यों पे उंगली नहीं उठा रहा। हर सरकार कुछ न कुछ कार्य करती है। मैं कांग्रेस की तरह नहीं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा सरकार ने कार्य किया, लेकिन उस 77 वर्ष में बहुत सारे अवसर ऐसे भी आए। आप देखिए रिशु जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि सिंगापुर और कोरिया हमके बाद आजाद हुए, लेकिन आज जो विश्वास की श्रेणी में है ना, तो हमारे पास क्या कमी रही है? उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक अवसर ऐसा था कि जो दो देश बहुत आगे चले गए विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, जहाँ पे या तो ज्यादा थी या जहाँ पे टेक्नोलॉजी का जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया, जहाँ पे जनसंख्या तो कम थी लेकिन उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाया कि उस टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो ग्रोथ कर गए। तो हमारे पास कुछ न कुछ कमी तो रही होगी। जितनी लंबी फेरिश्त आपके पास है ना कि आप सत्ता में आए तो आपने क्या क्या कार्य किए, उससे ज्यादा लंबी फेरिश्त कांग्रेस के पास भी होगी। लेकिन चीज यहाँ पर यही है कि इन इतने सालों में हम कितना बदले हैं और कितना आगे बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर नीरज जैन, दुनिया में महामारी और क्षेत्रीय संघर्ष से जो अस्थिरता आई है उसका सबसे बड़ा प्रभाव भारत पर हुआ। भारत पूरे ग्लोबल साउथ का भरोसा जीतने में कामयाब रहा, लेकिन अपने देश में वो कहीं ना कहीं अतीत से उलझता हुआ दिखाई देता है। जी, अभी राष्ट्रपति जी ने जो पूरा फोकस किया अपना भाषण, वो पूरा था मतलब ये कहीं आदिवासी महिलाओं के मजबूती पे, महिलाओं वुमेन एम्पावरमेंट पे स्ट्रेंथ पे। हम दुनिया में क्या कर रहे हैं उसको हम देखेंगे या हम अपने घर में घर जलते हुए घर को देखेंगे? जिन महिलाओं की चर्चा राष्ट्रपति जी कर रही हैं अपने संबोधन में, जिसके नाम उन्हीं महिलाओं के साथ कितना विभत्स कांड हो रहा है, एक जगह दो जगह नहीं सब जगह हो रहा। और पुलिस सरकार, मैंने आंतरिक मामलों का मतलब यही था मेरा कि जो हमारे राज्यों की स्थिति वहां पर ज्यादा हो रही है जहां बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है, इस पर कोई अभी तक पूरा होकर क्या, जैसे एक बार डॉक्टर साहिबा ने कही, जब कांग्रेस की प्रवक्ता है जी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, नॉर्थ ईस्ट में लगभग ये भय की स्थिति है, हाउ दे विल सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस डे, फिफ्टीन अगस्त वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे। आज आप हरियाणा देखिए, हरियाणा में नूह में कैसे लोग 15 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे, है ना, जिन जिन स्थानों पर इस प्रकार के हादसे हुए वहां लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो अब हम चाहे दुनिया में कहते रहे हम बड़े ताकतवर हैं, लेकिन मैं अपने घर में कमजोर बैठा हूं तो मैं क्या करूं। और सारी चीजें अगर हमारी संवेदनशीलता जो है संवेदनशून्यता में परिवर्तित हो जाएगी, हम व्यक्ति के दुख को नहीं जान पाएंगे तो फिर कैसा होगा। और इस वक्त तो नहीं, हम घर आगे किसी चर्चा में इस विषय को जरूर लाएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव जिस मुद्दे पर आया था उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटा 14 मिनट चर्चा में बात 6:44 से 6:46 बिल्कुल जो आप यहाँ पर बातें कह रहे हैं सर, एक लाइन में कहा जाए तो कहा जाता है कि जो इंसान अपने घर में ना जीत पाए वो चौपाल जीत कर क्या कहेगा, क्या करेगा। बिल्कुल रिशु जी, आप बात समझ गई, मतलब हम अंदर से प्रसन्न नहीं है, ऊपर से बेहतरीन कपड़े पहन के दुनिया को दिखा रहे हैं हम बहुत हैंडसम है, दिस व्हाट आई मीन टू से। ठीक है राजेश जी, आऊंगी मैं आपके पास। जाहिर सी बात है कि जो बातें हम यहाँ पर कह रहे हैं वो चुभ जरूर रही होंगी आपको, लेकिन आप जवाब दे सकते हैं उसका, उसके लिए आऊंगी मैं आपके पास। लेकिन प्रोफेसर अमन, केंद्र और राज्य की टकराव में विकास में विषमता स्वाभाविक है, स्थिति को टालने के लिए कहां काम करने की जरूरत है? देखिए जी, मेरे विचार में ये सरकार जो है अलग अलग मुहिमों के द्वारा अलग अलग प्रांतों के अंदर जो है बढ़ोतरी की तेजी दिखा रही है और देखने को मिल भी रही है। कोई भी ऐसा विश्व में कोई घर नहीं है जहाँ पे दिक्कतें नहीं होती हैं, चाहे वो अमेरिका जैसा देश हो, चाहे वो यूके जैसा देश हो। मैं वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी में काम करता था जी। और हमारे बैंक की बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर ही करीबन 8-10 भिखारी बैठे हुए मिलते थे। मतलब अमेरिका जैसे देश में जहाँ पे भी गरीबी बहुत है वहाँ पे भी वर्ल्ड बैंक के बाहर भिखारी बैठे हुए मिलते थे रोड के बिल्कुल दूसरी तरफ।
तो ये कहना कि जो है कि किसी भी घर में दिक्कतें नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ये गलत होगा। चाहे वो इस सरकार में रहा या पिछली सरकार में रहा, हिंदुस्तान में साल प्रति साल दिक्कतें रही हैं, पर उन दिक्कतों को कैसे हमने कम किया है, कैसे हमने आगे बढ़ाया है, वो देखना जरूरी है। जहाँ पे विश्व के अंदर कोरोना काल के अंदर लोगों की त्राही त्राही, लोगों की मृत्यु ही इतनी ज्यादा, खाने को नहीं मिला, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई, दवाइयां नहीं मिली, हिंदुस्तान ने सिर्फ दवा बना के हिंदुस्तानियों को, करोड़ों लोगों को दवा नहीं दी, विश्व के लोगों को भी काफी जगह डोनेट भी किया, अफ्रीका में, मॉरिशियस में, बहुत सारे देशों में डोनेट भी किया कि वहां के लोगों को राहत मिल सके, उनकी दुआएं भी हमें मिली। और यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री आज किसी भी देश में जाते हैं, चाहे ऐसे देशों में जाएं जहां पे दोनों देश एक दूसरे को आमने सामने ना देखते हो, वहां पे भी उनको जय जयकार करके रिसीव किया जाता है, हिंदुस्तानी भी खुश होता है। बिल्कुल, इस बात में कोई दोराय नहीं है, ये आपने बिल्कुल सही कहा, इस बात में कोई दोराय नहीं है। और राजेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन राजेश जी एक सवाल ये भी है कि देश में पिछले कुछ वर्षों में राज्य और केंद्र के बीच टकराव की भी स्थिति आई, देश की व्यवस्थाओं का आपस में ऐसे टकराना मूल ढांचे को कमजोर कर रहा है और क्षेत्रीय वर्चस्व बढ़ रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं देखिए रिशु जी, टकराव तो देखने में विचारों की आ रही है, लेकिन आपने देखा क्या कि हमने किसी स्टेट में राष्ट्रीय शासन लगवाया हो? धारा 356 का उपयोग सबसे अधिक बार किसने किया है? क्या हमारी जब सरकार रही है हमने कितनी बार किया है धारा 356 का उपयोग? हमने कितने स्टेटों में राष्ट्रपति शासन लगाया है? भाई कांग्रेस को तो हमारे एक स्टेट में, अगर उत्तर प्रदेश में कुछ दंगा होता है तो चार चार जनों की हमारी सरकार गिरा दी जाती है, धारा 356 लगा दिया जाता है। हमने किस स्टेट में लगाया? कितने दिनों से बंगाल चल रहा है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे अपील करते हैं, शांति के लिए अपील करते हैं। राजस्थान चल रहा है, वहाँ पे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, तापमान किया जा रहा है, फिर भी हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई स्थिति को कंट्रोल करिए, सुधारिए। एक बात, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो भय का माहौल कर रहे हैं, धारा 370 आज हटा है, या कश्मीर में भय का माहौल इन लोगों ने आजादी के बाद से नहीं पैदा किया था? यूएनओ में उस मैटर को कौन लेके गया? ठीक है डॉक्टर टीना, क्या कहना चाहेंगे आप? राजेश जी ने जो सवाल किए हैं, इसके साथ ये भी कि आजादी के बाद देश की इतनी लंबी यात्रा के बावजूद आज भी देश जातीय संघर्ष और क्षेत्रीय संघर्ष में उलझ रहा है, ये घटनाएं देश के ताने बाने से एकदम उलट हैं, इसके क्या कारक आपको समझ में आते हैं? जी देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं पूछना चाहती हूँ कि एक दशक के करीब इनकी सरकार हो गई, ये कर क्या रहे हैं, कितना इंतजार कर रहे हैं? लगातार रोजगार कर उनसे पूछा जाए तो कहते हैं पकौड़े तल लीजिए, अब पकौड़े का तेल भी इतना महंगा हो गया है कि युवा जो है पकौड़े भी नहीं बना सकते हैं। अभी मेरे सबसे अहम सवाल जो है, मैं चाहती हूँ कि कल जब प्रधानमंत्री साहब बोले तो वो बेटियों को विश्वास दिलाए कि वो बेटियां सुरक्षित है इस देश के अंदर, क्योंकि हमारी सरकार जाने का मुख्य कारण ये भी था कि हमारी सरकार के समय निर्भया कांड हुआ था, मनमोहन साहब ने आकर माफी मांगी थी कि मेरे घर में बेटियां हैं। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला, मैं चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे हर एक उस महिला से जिसके साथ ये हो रहा है, कि जिम्मेदारी किसकी है? हमने तो कहा था उनसे कि लगातार, अभी इन्होंने साहब ने कहा कि बंगाल में हिंसा हो रही है, आप मुझे बताइए। ठीक है राजेश जी, उनकी बात भी अपनी जगह सही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये सिर्फ नारों तक ही सीमित रहेगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, देखिए रिशु जी भाई, ये बताइए कि जो महिलाओं की डिग्निटी की जब बात आती है, तो जब हमारे घर की महिलाएं बहन बेटियां दर्ज की, और सभी समाज की, मैं तो देखता था गांव में सभी समाज की बहन बेटियां खुले में शौच जाती थी, कौन उसका ध्यान दिया था? इतने सालों से देश आजाद था तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला 15 अगस्त के दिन शौचालय की बात क्यों बोलने की आई? आप भी उस कार्य को कर सकते थे, मैंने पहले ही क्या कि 77 सालों में बहुत सारे अवसर आए, लेकिन शौचालय की बात किसने किया था? आज अगर 11 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बना है और हमारी देखिए आपसे सवाल सुरक्षा को लेकर पूछा गया था, बेटी बचाओ बेटी नहीं है, आपको बोला दीजिए ठीक है। देखिए राजेश जी जो आपने बेहतर कार्य किए हैं उनको तो आप गिनवाते ही हैं, आप क्या गिनवाते हैं, बाकी लोग भी गिनवाते हैं कि आपने अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो जो चीजें पूछ रही हैं यहाँ डॉक्टर टीना, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बात कर रही हैं वो वाजिब है, मणिपुर में क्या घटित हुआ वो जो सवाल कर रही हैं वो वाजिब है, आपको कहीं ना कहीं भरोसा तो देना पड़ेगा ना देश की बेटियों को। मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, आप तो शौचालय की बात करने लगे।
शौचालय आप बता रहे हैं कि हमने इतने शौचालय बनवा दिए, हमने इतने शौचालय बनवा दिए, सिर्फ शौचालय से काम नहीं चलेगा ना, बेटियों की सुरक्षा के लिए बताइए ना क्या किया आप लोगों ने और क्या करेंगे आगे। अरे ये शौचालय जो मैंने कहा 11 करोड़ लोगों के घर में शौचालय, रेशु जी मैं भी बीच में कुछ कहना चाहूंगा। जी जी जब ये बात कर लेता ठीक है। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है राजेश जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। राजेश जी बार बार इस पर बात कर रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट पे ही कॉमनवेल्थ घोटाला से लेकर सारे घोटाले में तमाम लोग झेल गए थे। तो मैं माननीय प्रवक्ता महोदय से जानूंगा कि आयुष्मान जो है भारत योजना का जिसमें जो है इतना बड़ा घोटाला सीएजी की रिपोर्ट कर रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक ही एक मोबाइल में 7.5 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया और 50-50, 55 लाख रुपए को उनको मरे हुए लोगों को भुगतान हो गया। इस पर क्या हो रहा है, आप योजना लाए लेकिन जो योजना आई बहुत अच्छी थी, समाज के लिए हितकारी थी, लेकिन उस योजना से आपने अभी कहा शौचालयों की बात की, शौचालय आपने 11 करोड़ बना दिए, अरे आप 11 लाख महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, आप मणिपुर पर महिलाओं चाया गया, मतलब आप बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार आपको फिर से विचार करना चाहिए राजेश जी, और हर महिला आज यही आपसे चाहती है कि जब वो घर के बाहर निकले तो उसको उसको बिल्कुल भी डर ना हो, वो निडर होके निकले, यही चाहिए महिलाओं को, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अरे रिशु जी प्रोफेसर नीरज जैन जी जो कह रहे हैं, तो क्या हमारे राजस्थान की महिलाएं महिलाएं नहीं है क्या, 2 लाख महिलाओं के साथ वहाँ पे घटनाएं घटित होती है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, पूरे देश की महिलाओं की। यहाँ यहाँ राजेश जी आप बात को समझ नहीं रहे हैं, पूरे देश की महिलाओं को लेकर बात है, पूरे देश की महिलाओं को लेकर बात है, सिर्फ हम राजस्थान या मणिपुर को लेकर ही चर्चा नहीं कर रहे हैं। बहरहाल समय का अभाव है मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।